Hello dear students, welcome to Manisha Verma Biology Tutorials. We are doing the chapter Animal Kingdom, and in it today we are taking up the general features of the animal kingdom. And today we will talk about the digestive tract. तो डाइजेस्टिव ट्रैक जो है किस तरह का रहता है, किस एनिमल ग्रुप में, वो हम आज ही आगे देखेंगे. तो डाइजेस्टिव ट्रैक जो है मेनली टू टाइप्स के जो है होते हैं, इनकम्प्लीट एंड कम्प्लीट. तो इनकम्प्लीट में क्या होता है हमारे पास, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक हम एक ऐसे डाइजेस्टिव ट्रैक को बोलते हैं. डाइजेस्टिव ट्रैक मीन्स वेयर द डाइजेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस, ऐसा कोई जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. तो इनकम्प्लीट कब हम बोलते हैं, व्हेन देयर इज़ अ सिंगल ओपनिंग फॉर इंजेशन एज वेल एज ईजेशन. खाना जो है फूड के इनटेक के लिए और वेस्ट को बाहर थ्रो करने के लिए अगर एक ही ओपनिंग है, तो उस तरह के डाइजेस्टिव ट्रैक को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक. तो ये किस में देखने को मिलता है, सीलेंट्रेट्स में एंड फ्लैट वॉर्म्स में. तो सीलेंट्रेट्स में एग्जांपल हमारे पास हैं जैसे जेली फिशेज हो गया, हाइड्रा, ये हमारे पास कॉमन सीलेंट्रेट्स के एग्जांपल हैं. तो इनमें जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, इट इज़ अ ब्लाइंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ऐसी ट्यूब जो एक तरफ से बंद है और सिर्फ एक तरफ से खुली है. तो उस ट्यूब को यहाँ पर कहा जाता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी. तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मीन्स वो जो ट्यूब है, इट एक्ट्स एज डाइजेस्टिव कैविटी ऑल्सो. डाइजेशन तो वहाँ होता ही है, फूड जो है उधर डाइजेस्ट होता है. साथ ही साथ क्या होता है, उस ट्यूब में वाटर एंटर होता है. वाटर एंटर होता है, वाटर करंट के साथ साथ ऑक्सीजन भी उस ट्यूब में जो है वो एंटर होती रहती है. तो इट ऑल्सो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन. तो वेस्कुलर कैविटी जो है, इसलिए हम इसे बोल देते हैं. फिर है फ्लैट वर्म्स. तो फ्लैट वर्म्स में जो हमारे पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक ही होता है, फ्लैट वर्म्स में जो एग्जांपल हमारे पास हैं वो है फेशियोला और टेप वर्म. फेशियोला इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ लीवर फ्लू. दूसरी तरफ जो हमारे पास है डाइजेस्टिव ट्रैक, दैट इज़ द कम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक. तो कम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक जो है कैसा है, देर इज़ अ सेपरेट ओपनिंग फॉर इंजेशन एज वेल एज इजेशन. फूड की इंटेक के लिए और वेस्ट को थ्रो करने के लिए सेपरेट सेपरेट ओपनिंग्स हैं. तो राउंड वर्म्स ऑनवर्ड, राउंड वर्म्स के बाद जितने भी हायर ग्रुप्स आते हैं एनिमल्स के, सभी में देर इज़ अ कम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक. तो राउंड वर्म्स में हमारे पास आता है एग्जाम्पल मोस्ट कॉमन जो है वो एस्कैरिस का. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव ट्रैक. नेक्स्ट जनरल करेक्टर विच वी आर गोइंग टू टेक इज़ द रेस्पिरेशन, कि किस किस एनिमल ग्रुप में किस तरह से रेस्पिरेशन जो है वो होती है. सो नेक्स्ट इज़ द रेस्पिरेशन. अब रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन जो टर्म हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो गैसेस का एक्सचेंज है रेस्पिरेशन. और बेसिकली इसमें क्या एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन का इनटेक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर जाती है. एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, तो हमारे पास जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स में. पहले हम बात कर लेते हैं कि किस तरह की वेरिएशन है रेस्पिरेटरी ऑर्गन में. सबसे पहले, सबसे सिंपलेस्ट हम करेंगे बॉडी सरफेस. जो हमारे पास सिंपल सिंपल एनिमल ग्रुप्स हैं, जो बिल्कुल लोअर एनिमल ग्रुप्स जिनको हम बोलते हैं, जैसे पॉरीफेरा है, सीलेंट्रेटा है, प्लैटीहेल्मिंथ्स हो गए, एस्किहेल्मिंथ्स, इन सब में क्या होता है, जो रेस्पिरेशन है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, इट टेक्स प्लेस थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस थ्रू सिंपल प्रोसेसेस लाइक डिफ्यूजन. तो यहाँ पर बॉडी सरफेस में हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन कहाँ से हो रही है, जनरल बॉडी सरफेस से, जनरल बॉडी सरफेस. तो ये जो हमारे पास किस किस में देखने को मिलेगी, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, एस्किहेल्मिंथ और प्लैटीहेल्मिंथ, ये हमारे पास एनिमल ग्रुप्स हैं जिनमें ये देखने को मिलती है. तो हमारे पास दूसरा जो है, दैट इज़ द ब्रेंकियल रेस्पिरेशन. ब्रेंकियल टर्म हम कब यूज़ करते हैं, ब्रेंकियल इज़ द टर्म एसोसिएटेड विद गिल्स. तो जिन भी एनिमल्स में गिल्स होते हैं हमारे पास, तो उनमें हम कहते हैं, उस रेस्पिरेशन को हम कहते हैं
ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। तो ब्रेंकियल रेस्पिरेशन गिल्स है, तो जाहिर सी बात है एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो है गिल्स होते हैं, तो गिल्स जो है पाए जाते हैं हमारे पास कुछ मेंबर्स एनिलिडा के कुछ मेंबर्स में गिल्स होते हैं, और हमारे पास कुछ जो है मोलस्का के कुछ मेंबर्स में हेमीकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स की अगर बात करें तो गिल्स पाए जाते हैं फिशेस में पाइसेस। तो ये हमारे पास जो है एक जनरलाइजेशन होती है, वेरिएशन जो है ग्रुप टू ग्रुप होती है, कुछ एक्वेटिक मेंबर्स जो हैं हर ग्रुप में होते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है हमारे पास जनरल जो है आइडिया के लिए इन इन ग्रुप्स में जो है गिल्स की रेस्पिरेशन होती गिल्स के थ्रू। फिर है पल्मोनरी, तो पल्मोनरी जो टर्म है ये यूज़ होती है लंग्स के लिए। तो पल्मोनरी या लंग रेस्पिरेशन जो है वो देखी जाती है, वो होती है लैंड एनिमल्स में, जो टेरेस्ट्रियल जो ज़मीन पर रहने वाले जो जानवर हैं उनमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। तो लंग्स जो हमारे पास लंग के थ्रू रेस्पिरेशन करता है फ्रॉग जो कि एम्फीबियन है, रेप्टाइल्स करते हैं जैसे स्नेक वगैरह हो गए, रेप्टाइल बर्ड्स मैमल्स, और हमारे पास जैसे मोलस्का के भी मेंबर होती है जो लैंड स्नेल होती है वो भी पल्मोनरी जो है रेस्पिरेशन करती है लैंड स्नेल। तो स्नेल जो है वो बिलोंग करती है मोलस्का से, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कुछ कुछ वेरिएशन जो है हर ग्रुप में देखने को मिलेगी, लेकिन जनरली जो है पल्मोनरी रेस्पिरेशन इनमें होता है। फिर हमारे पास है ट्रेकियल रेस्पिरेशन। तो ट्रेकियल रेस्पिरेशन क्या है, ट्रेकियल जो सिस्टम होता है वो आर्थ्रोपोड्स में, खास करके इंसेक्ट्स में, आर्थ्रोपोडा एक ग्रुप है एनिमल्स का जिसमें कि एक इंसेक्ट की क्लास है इंसेक्टा, उसमें खास करके जो बॉडी है उसके अंदर एयर की ट्यूब्स, छोटी छोटी ट्यूब्स का एक नेटवर्क है एयर ट्यूब्स का जिसको हम ट्रेकियरी सिस्टम बोलते हैं। तो उस ट्रेकियरी सिस्टम से होने वाली रेस्पिरेशन को ट्रेकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो इसमें होता है ट्रेकियरी सिस्टम। तो ये ट्रेकियरी सिस्टम जो है वो होता है इंसेक्टा में। फिर उसके बाद हमारे पास है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस जो टर्म है वो यूज़ होता है स्किन के लिए। तो कुछ हमारे पास ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो स्किन जो होती है इट इज़ हाईली वेस्कुलर मॉइस्ट होती है, जिस वजह से इट कैन एक्ट एज अ ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। तो स्किन जो है एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन एक्ट करती है। सबसे अच्छा जो इसका एग्जांपल है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होती है अर्थवॉर्म में, जो कि एक एनिलिड है फ्रॉग। एंड नाउ नेक्स्ट इज़ द बकोफेरेंजियल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। तो बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो बकल कैविटी हमारा, जो बकल कैविटी और फेरिंग्स की जो लाइनिंग है इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, उस तरह की रेस्पिरेशन को बोलते हैं बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। तो बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन में ऑर्गन जो हमारा रेस्पिरेटरी वो क्या होगा, बकोफेरेंजियल लाइनिंग, और इस तरह की रेस्पिरेशन होती है फ्रॉग में। तो ये हमारे पास है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का एक अकाउंट, और थोड़ा सा कि किस ग्रुप में हमें किस तरह की रेस्पिरेशन जो है वो देखने को मिल सकती है। हाउएवर एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन फिर भी यहाँ से एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो नीट क्वेश्चन भी बनता है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो तीन मोड ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो यूज़ करता है या एग्जिबिट करता है। तो इसमें आप देख सकते हो हमारे पास आ रहा है फ्रॉग। फ्रॉग में पल्मोनरी लंग के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होता है, और बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी होता है। तो ये हमारे पास इस तरह के जो एक क्वेश्चन बनता है। साथ में दो हमारे पास और तरह के ऑर्गन हैं जो स्कॉर्पियंस और किंग क्रैब्स जो होते हैं उनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो स्कॉर्पियंस के केस में, स्कॉर्पियंस
स्कॉर्पियंस के केस में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं उन्हें हम कहते हैं बुक लंग्स। तो बुक लंग्स जो है वो लंग्स ही हैं बेसिकली, बट दे आर अरेंज्ड लाइक लीव्स ऑफ अ बुक। जैसे बुक के पेजेस अरेंज्ड होते हैं उस तरह से ये लंग्स जो हैं वो होते हैं, तो इसीलिए इनको कहा बुक लंग्स। वेरी इंपॉर्टेंट नीट क्वेश्चन। एंड अनदर इज किंग क्रैब। किंग क्रैब जो है वो हज़ारों साल पुराना एक ऑर्गेनिज्म है, इसे हम जो है लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। तो बुक लंग्स इसमें होते हैं बुक गिल्स। बुक गिल्स तो दोनों ही क्या हैं, ये आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं, लेकिन इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो हैं वो स्लाइटली वेरिड हैं। तो ये था हमारे पास अबाउट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन।